फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल के तैयारी के लिए कौन सा बुक आप लोग लें, कौन से बुक से आप लोग पढ़ें कि आप लोग का सिलेक्शन 100% तय हो जाए। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर रहे थे फ्रेंड कि आरपीएफ कांस्टेबल के तैयारी के लिए कौन से बुक से पढ़ें, तो मैं आज आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि किस तरह से पढ़ना है और कौन से बुक से पढ़ना है। तो फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं कि कौन से बुक से हम लोग को पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, मैं इसी बुक के बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। ये फ्रेंड स्टडी गाइड जो है, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से आता है। इसमें फ्रेंड मैं आप लोग को 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 5 सोल्ड पेपर भी मिलने वाले हैं। ये फ्रेंड मुझे मार्केट का सबसे बढ़िया स्टडी गाइड लगा फ्रेंड। इसमें फ्रेंड आप लोग को सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं यही बुक को क्यों आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि इस जो बुक का सिलेबस है ना, वो आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस पर पूर्णता आधारित है, समझे ना। इसमें सभी सब्जेक्ट के फ्रेंड, चाहे आप लोग रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे सामान्य ज्ञान हो, चाहे तो करंट अफेयर हो, सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों से आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 5 सोल्ड पेपर भी मिलने वाला है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, रीजनिंग का टोटल जो होता है ना, टोटल चैप्टर होता है ना, सभी चैप्टर से आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो। देखिए, समरूपता हो गया, समानता हो गया, भिन्नता हो गया, रक्त संबंध हो गया, या क्रम में व्यवस्थित करना हो गया, ये सभी फ्रेंड यहाँ पर देख लीजिए। और सारे टॉपिकों का नाम दिया गया है, ये रीजनिंग का हो गया फ्रेंड। फिर यहाँ पर सामान्य अध्ययन का हो गया, जो सामान्य अध्ययन का जो भी टॉपिक है वो सभी दिया गया है फ्रेंड। यहाँ पर गणित का देख लीजिए फ्रेंड, संख्या पद्धति, सभी चैप्टर फ्रेंड आप लोग को इस बुक से पढ़ते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, 5 सोल्ड पेपर आप लोग को मिलने वाला था, वो पहला सोल्ड पेपर यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए पहला मैथ का क्वेश्चन है, राम और राजू की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग जो है 162 है, तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। उनकी आयु में अंतर ज्ञात करना। नीचे यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, तो ये जो मैथ है, मान लीजिए कि आप लोग को नहीं आ रहा है, ये तो आप लोग तैयारी करते होंगे तो ये तो मैथ आ ही जाएगा, और नहीं आता है फ्रेंड तो देखिए आप लोग को यहाँ पर इसको बनाया भी गया है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा और नीचे आना होगा ना, थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, थोड़ा नीचे आना होगा फ्रेंड। यहाँ पर आप लोग को देखिए, यहाँ पर जो भी मैथ है आप लोग को यहाँ बना मिलेगा। अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन था फ्रेंड, थोड़ा आप लोग को नीचे आना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखिए राम और राजू वाला था, आयु वाला क्वेश्चन जो मैथ का था, वहां पर देखिए यहाँ पर बना दिया गया। पहला क्वेश्चन हो चाहे दूसरा क्वेश्चन हो, पहला का 18 आंसर आया है मैथ का। तो हम लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था, ये प्रैक्टिस सेट का जो 5 को दिया गया है ना फ्रेंड, उसका एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इस बुक में फ्रेंड आप लोग को काफी अच्छा से सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिकों से आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और फ्रेंड इस बुक से पढ़ते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। मैं इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड, ऐसा नहीं, समझे ना, कि आप लोग को अगर मन से पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास कमेंट कर रहे थे फ्रेंड कि कौन से बुक से पढ़े सर, कौन से बुक से पढ़े। तो मैं आप लोग के लिए ये बुक लाया हूँ, मार्केट में मैं सर्च किया तब ये बुक लाया हूँ आप लोग के लिए। ऐसा नहीं, और सब चक्कर में नहीं पढ़ना है आप लोग को, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग पढ़ सकते हैं इस बुक से, ये बुक काफी अच्छा है, समझे ना फ्रेंड। और फ्रेंड चक्षु प्रकाशन का ही प्रैक्टिस सेट भी आता है, और मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे सामान्य अध्ययन हो, सभी का चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर भी आता है फ्रेंड, उसे भी आप लोग ले सकते हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड कि जो स्टडी गाइड है उससे आप लोग पढ़िएगा, और प्रैक्टिस सेट से अगर आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और ये सब बुक से पढ़ते हैं तो आप लोग का मैं 100% कह सकता हूं फ्रेंड कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ले लीजिएगा, और बुक लेकर पढ़वे नहीं कीजिएगा तो क्या फायदा होगा। तो बुक लिए हैं फ्रेंड, बुक लिए हैं तो बुक लेकर पढ़ना भी आपको होगा, समझे ना। मेरा काम था तो अच्छा बुक बताना, मैं आप लोग को बुक सजेस्ट कर दिया कि इस बुक से पढ़िए, लेकिन आप लोग फ्रेंड मन से पढ़ते हैं, स्टडी गाइड से पढ़ते हैं, प्रैक्टिस से लेकर प्रैक्टिस करते हैं, समझे ना, तो आप लोग का 100% सिलेक्शन तय हो जाएगा। और इनका फ्रेंड
रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, सामान्य अध्ययन का हो, सभी का चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर भी आता है, समझे ना। चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर भी आता है, उसे भी आप लोग ले सकते हैं, समझे ना। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।